जितना उनसे जो नफरत करे हम उनसे उतनी नफरत करें या उनके आमाल ना करें, ठीक। तो बहरहाल ये होना, इसी तरह आप सल्लम फरमाते हैं, ये जो है तबरानी की रिवायत है, मुस्तदरक हाकिम में भी हदीस आती, सही हदीस है, आप सल्लम फरमाते हैं मोमिन दोस्ती लगाता है और इससे दोस्ती की जाती है। मोहब्बत करना एक दूसरे से ज़रूरी भी है मुसलमानों को, इसलिए कि आप सल्लम फरमाते हैं मोमिन दोस्ती लगाता है और मोमिन से दोस्ती की भी जाती है। मतलब मोमिन एक ऐसी चीज़ है कि जो ख़ुद भी दोस्ती लगाता है और वो ऐसी चीज़ है कि जिससे दोस्ती करना भी चाहिए। मतलब हमारे दोस्ती का शार बुनियाद मैार उसका जो लेवल जो होना चाहिए, उसके लिए जो शरायत है वो उसकी दीनदारी है। लेकिन आज हमारी दोस्ती की बुनियाद भी दुनियादारी और ख्वाहिशात होती है ना, दुनियादारी, कितना मालदार है, कितना असर रसूख है, इससे क्या क्या काम करा सकते हैं, ये अपना क्या काम कर सकता है, आड़े वक्त में कितना काम आ सकता है, ये नहीं कि अल्लाह के लिए। तो यहाँ अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं मोमिन एक ऐसी चीज़ है कि वो दोस्ती करता है। मतलब मोमिन का मिजाज दोस्ताना होता है, वो हट धर्म नहीं होता है, वो लोगों से बात नहीं करने वाला नहीं होता है, बल्कि वो बातचीत करता है। औरतें गौर से सुने इस चीज़ को, वरना होता ही है कि मर्दों में तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्ती लोग करते हैं अल्लाह के दीन और उसके शरीयत की बुनियाद पर, औरतें किसी बुनियाद पर एक दूसरे से दोस्ती नहीं करती, इसलिए कि हर औरत अपने आप में सबसे माहिर, सबसे अच्छी, सबसे भली होती है, दूसरी औरत सबसे बुरी और सबसे ख़राब होती है। इसलिए कभी दो औरतें दोस्ती नहीं करते। मर्दों में बहुत दोस्त मिलेंगे आपको, एक से एक वली जिगरी दोस्त मिलेंगे, औरतों में बहुत कम है कि कोई कहे कि मेरी जिगरी सहेली है। सहेली का माना ये है कि बस कभी आए तो पानी पिला दो, चाय पी लो, और थोड़ी बहुत उसके नाम से उसकी हालात मालूम होंगे तो अपन गिबत करेंगे उसके नाम से, और अपने हालात उसको मालूम तो वो अपने नाम से गिबत करेंगे। ये दोस्ती है उनके नज़दीक। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन गौर करें, इसलिए कि ख़वातीन ने अपना एक मिजाज बना लिया इस किस्म का कि वो एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत और नफरत का कोई उनका उसूल नहीं है। हाँ, कोई काम बन पड़ जाए तो फिर देखिए ऐसी मोहब्बतें कि घर के चक्कर मारने से थक नहीं रही है, काम ख़त्म हो जाए तो फिर वो कौन थे और वो कौन थे एहसान भी भूल जाती है। तो ख़ास तौर से सुने, मोमिन वो है जो दोस्ती करता है और मोमिन वो है जिससे दोस्ती की जाती है। आप सल्लम फरमा रहे हैं उसका मिजाज ही ऐसा होता है कि दोस्ती करता है और उसे लोग दोस्ती करते भी हैं। आगे आप सल्लम फरमाते हैं, देखिए क्या फरमाया और